मुझे अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने का एक सपना रहा है और इस सपने को पूरा करने के लिए मैं एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ चाहिए तो आप सभी का सपोर्ट। हेलो गाइज, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। और गाइज, इस ब्लॉग में मैं थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ और थोड़ा नर्वस भी हूँ, क्योंकि ये मेरी लाइफ का पहला ब्लॉग है और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस ब्लॉग में मैं क्या ऐसा करूं जो कि आप सभी को पसंद आए। हालांकि मुझे ये भी पता है कि पहले ब्लॉग से ही मैं आप सभी के दिल को नहीं जीत सकता हूं। इसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए और मुझे पता है कि आप लोग मुझे थोड़ा वक्त दोगे और एक मौका दोगे, और मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय के साथ मैं आप सभी को ऐसा ऐसा ब्लॉग दूंगा जो कि आप सभी के दिल को डेफिनेटली जीत लेगा। और ये मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ, क्योंकि मुझे खुद में इतना भरोसा है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तो अभी इस ब्लॉग में मैं आप सभी को अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ पे रहता हूँ और क्या करता हूँ, ताकि आप सभी लोग मेरे से थोड़ा सा क्लोज हो सको। तो चलिए हम लोग चलते किसी अगले लोकेशन पे। सो यहाँ से हमारा ब्लॉग जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और अभी मैं कोई अच्छा सा लोकेशन ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर मैं बैठ कर आप सभी को अपने बारे में सब कुछ बता सकूँ। और अभी मैं अपने घर के बगल जो पहाड़ है वहाँ पर आकर ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। मतलब मैं जिस कॉलोनी पे रहता हूँ उसके आजू बाजू जो वो पहाड़ी पहाड़ है, चाहे इस साइड देख लो या इस साइड देख लो या इस साइड देख लो, सब तरफ जो है वो पहाड़ी पहाड़ है। और इसके कारण मुझे कुछ कॉलेज के फ्रेंड्स और स्कूल के फ्रेंड जो है वो मुझे पहाड़ी बाबा ही बुलाया करते थे, और मैं इस बात को दिल पर नहीं लेता था, क्योंकि जो सच है वो सच है, मैं बचपन से पहाड़ों पर ही पला बड़ा हूँ, तो मुझे पहाड़ी बाबा ही बुलाते थे, तो मैं उस बात को दिल पर नहीं लेता था। तो चाहो तो आप भी मुझे पहाड़ी बाबा ही बुला सकते हो, मैं भी उस बात को दिल पर नहीं लूँगा। और अभी हम जिस काम के लिए आए थे, अच्छा सा लोकेशन ढूंढ रहे थे, वो मुझे मिल चुका है, वो इसके ऊपर है, और मैं ट्राईपॉड लेकर आया हूँ ताकि मैं अपने फ़ोन को इस पर सेट करके आराम से बैठकर मैं आप सभी को अपने बारे में सब कुछ बता सकूँ। तो चलिए चलते हैं जो लोकेशन मैंने ढूंढा है उसकी तरफ। तो फाइनली मैं वो लोकेशन पे आ चुका हूँ, और इस लोकेशन का व्यू देख रही हूँ, काफ़ी प्यारा मिल रहा है, सारी ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है। तो चलिए हम लोग इस प्यारे से लोकेशन के साथ अपना इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं नाम से स्टार्ट करता हूँ। तो मेरा फुल नेम है साहिल अनीस। अब आपको लग रहा हो कि ये अनीस कौन सा टाइटल है, तो मैं आपको बता दूँ कि अनीस मेरे पापा का नाम है, और मैंने अपने पापा का नाम को अपना टाइटल बना लिया है, क्योंकि मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ। और जब से मैंने इस टाइटल को अपने नाम के आगे जोड़ा है, तब से मैं बहुत ज़्यादा सतर्क हूँ कि मुझसे कोई बड़ी गलती ना हो जाए, क्योंकि अगर बड़ी गलती होगी तो मेरा नाम ख़राब होगा, और मेरे नाम के आगे मेरे पापा का नाम है तो मेरे पापा का भी नाम ख़राब होगा। तो इसलिए मैं बड़ी गलती करने से डरता हूँ, और ये जो टाइटल है ये मुझे हर वक्त अलर्ट करते रहता है कि साहिल तू कोई बड़ी गलती मत करना। और मैं अभी 18 साल का हूँ, और आने वाला 2022 के 20 जून को मेरा 19वां साल भी पूरा हो जाएगा, और मैं एक स्टूडेंट हूँ। 12 मैंने दे दिया है, और पढ़ाई अभी भी चल ही रहा है, और पढ़ाई को मैं हमेशा कंटिन्यू रखूँगा, पढ़ाई और ब्लॉग के बीच में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। इसके अलावा आई एम फ्रॉम रांची झारखंड, मैं रांची झारखंड से बिलोंग करता हूँ, और ये जो हमारा झारखंड स्टेट है, यहाँ के कल्चर और यहाँ के रहन सहन और यहाँ की लैंग्वेज मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आई लव झारखंड एंड आई लव इंडिया, और मैं प्राउड करता हूँ कि मैं एक इंडियन हूँ। बाकी फैमिली मेंबर्स की बात करें तो मेरे फैमिली में टोटल 7 मेंबर्स है, मेरे पापा, मम्मी, मैं और मेरे 4 बहन, मतलब टोटल मिलाकर हम लोग 7 लोग हैं, सिंगल भाई मैं ही हूँ। अब ये मत सोचना है कि तुझे सबसे ज़्यादा प्यार मिलता होगा क्योंकि तू इकलौता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे घर में कोई भी भेदभाव नहीं है, पापा मम्मी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, जितना मुझे चाहते हैं उतना मेरे 4 बहनों को भी चाहते हैं, तो यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं होता है, सिंगल होने का कोई भी फ़ायदा मुझे नहीं मिलता। तो जितना कुछ मुझे पता था अपने बारे में वो मैं आप सभी को बता दिया। तो चलिए चलते कहीं और अच्छे से लोकेशन पे, और वहाँ पे हम लोग अच्छे अच्छे सिनेमेटिक शॉट्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो जितना तेज मैं दौड़ रहा हूँ, इससे कई गुना तेज हमारा ये दुनिया चल रहा है, और हम सब कहीं ना कहीं इस रेस में बहुत पीछे रह गए। तो आज हम सब एक वजन लेते हैं कि हम सब आज से इस दुनिया के कदम से कदम मिलाकर चलें। चलिए गाइस, अब मैं आप सभी को अपना बस्ती दिखाता हूँ इस पहाड़ की ऊंचाइयों से। पहले ये सीन देखो आप लोग,
कितना प्यारा दिख रहा है, लग रहा है यहाँ पे कोई मूवी वगैरह शूट हो जाएगा। और हमारे झारखंड में कई सारे मूवी वगैरह की शूटिंग भी हो चुकी है, लेकिन इस लोकेशन पे कोई भी शूटिंग अभी तक हमने नहीं देखा है। पता नहीं क्यों इतना अच्छा लोकेशन को डायरेक्टर लोग मिस कर रहे हैं। इतना अच्छा लोकेशन है, देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा मूवी वगैरह शूट हो जाएगा। तो चलिए फ़ोन को हाथ में ले लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ अपना बस्ती का जो नज़ारा है वो कैसा दिखता है और मैं कैसे बस्ती पे रहता हूँ। ये जो आप लोग देख रहे हो पहाड़ों के जस्ट नीचे जो छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे हैं आपको, उनमें ही हमारा बस्ती है। और आपको जो थोड़े दूर पे जो बड़े बड़े फ्लैट दिखाई दे रहे हैं वो हमारे बस्ती के अंदर नहीं आते हैं, वो थोड़े दूर पे है और वो थोड़े हाई फैमिली पे आते हैं। और हम लोग जो है वो मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो हमारा घर जो है वो इस पहाड़ के नीचे जो छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे जो करकट वाले, उनमें ही हमारा बस्ती है। तो चलिए और भी थोड़ा करीब चलते हैं और अच्छे से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है। इन्हीं घरों का मैं बात कर रहा था गाइस, जो कि पहाड़ के काफ़ी करीब है और करकट वाले हैं। अब आपको पता चल गया कि वो जो फ्लाइट है वो कितने दूर पे है और हमारा बस्ती ये सामने नीचे वाला है। और ये जो सामने दिखाई दे रहा है, जो मम्मी बाहर आ रही है, वो मेरा घर है। तो देख रहे हो हमारे कॉलोनी का नज़ारा कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। तो आज का ये ब्लॉग गाइस हम यहीं तक रखते हैं और मुझे पता चल गया कि एक ब्लॉगर की लाइफ क्या होती है भाई। एक टेक के लिए बहुत ज़्यादा रीटेक लेना पड़ता है और ये भी जो मैं शूट कर रहा हूँ ये दूसरे से तीसरा टेक के बाद मैं शूट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मतलब बोलना क्या रहता है वो समझ में नहीं आता है कैमरा ऑन होने के बाद। वैसे तो मैं सोच लेता हूँ कि बोलना क्या, लेकिन जैसे ही कैमरा के सामने मैं आता हूँ वैसे सारा कुछ दिमाग से चला जाता है। स्क्रिप्ट तो मैंने इस फर्स्ट ब्लॉग के लिए बनाया था, पर जैसे ही मैंने कैमरे को ओपन किया वो सारा स्क्रिप्ट मिट्टी पे मिल गया। फिर से मुझे कैमरे के सामने आना पड़ा और जो जी में आया वो बोलता गया और ये ब्लॉग को कंप्लीट किया। तो आई होप आज का ये हमारा पहला ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा गाइस तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अच्छे अच्छे कमेंट्स करना एंड ऐसे ही सपोर्ट करो। ऐसे ही ये क्या मैं बोल रहा हूँ, ये तो फर्स्ट ब्लॉग है, तो इस ब्लॉग को सपोर्ट करो गाइस। और तब तक के लिए चलता हूँ, मिलते हैं बहुत जल्द दूसरे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।